लोग भी देखिए, ये इन्होंने सब बिस्तर गंदा कर दिया है। ये सोए थे और ये अब उठ चुके हैं दोनों भी। देखो देखो, चुको 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 चुको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी मॉर्निंग किस तरह से गुजरती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरी जो लड्डू गोपाल है, दोनों भी जो बच्चे हैं वो उठ चुके हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सा बैठा कर फिर मैंने स्नान करा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्नान कराने के लिए सारी तैयारी कर ली हूँ। तो चलिए, इन्हें मैं स्नान कराती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं आज इनको कौन से कपड़े पहनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इन्हें पोशाक पहना दिया है। आज मैंने इन्हें येलो कलर का कपड़ा पहनाया है और अभी मैं पौधों में जितने भी फूल आए हैं वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, नील फूल, इसे हिंदी में अपराजिता फूल भी बोलते हैं, तो मैं इन्हें तोड़ लूँगी। और बहुत सारे फूल आए थे और वाइट कलर का भी फूल बहुत सारा आया था, तो यही सब मैं तोड़ के इन्हीं से आज मैं पूजा करूँगी। और मैंने एक बर्ड हाउस भी बनाया है, आपने देखा होगा, ये भी मैंने बनाया था क्योंकि जब मैं फ्री टाइम होता है ना तो मैं ये सारा कुछ करती हूँ। और कैमरा ख़राब हो गया था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई कि मैंने किस तरह से बर्ड हाउस बनाया है। और मुझे ये सारा कुछ करके ना बहुत अच्छा लगता है और समय भी किस तरह से बीतता है पता ही नहीं चलता है। घर को सजाना और पेड़ पौधे से भी मुझे बहुत पसंद है, लगाव है मुझे। तो चलिए, मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद मैं आपसे बातें करूँगी। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है, अब बारी है पौधों की पूजा करना, यानी कि पौधों को भी थोड़ा सा देखभाल करना, पानी देना, क्योंकि अभी समर का टाइम है, गर्मियों का टाइम है तो पौधे जल्दी से सूख जाते हैं, तो उन्हें पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से मैं उन्हें थोड़ा सा स्नान करा देती हूँ और उन्हें पानी भी दे देती हूँ। और मुझे इस तरह से इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर कुमकुम। मैं हूँ कुमकुम। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ, बहुत दिनों ने महीनों के बाद, क्योंकि बिजी थी लाइफ में, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है ना, इसी वजह से मैं व्लॉगिंग में इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा था टीवी का, इसी वजह से, इससे कॉपीराइट आ सकता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता सुबह का लेके बैठ चुकी हूँ, ये है मुरमुरा और आलू की सब्ज़ी और एक गिलास भर के चाय, ठंडी है चाय क्योंकि मुझे ठंडी चाय बहुत पसंद है। और अब मैं थोड़ी देर के बाद लंच बनाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लंच बनाने की तैयारी कर चुकी हूँ, आज सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी और राइस, बस और कुछ नहीं बनाऊँगी। और तो यहाँ पे मसाले की तैयारी हो रही है, साथ ही टीवी भी देखा जा रहा है। और मेरे जो आदि महाशय है वो चॉकलेट ले रहे हैं फ्रिज से, तो मेरे लिए भी लेके आए हैं दो जेम्स उसके पापा लेके आए थे, तो वही वो मुझे भी दे रहा है। तो अभी मैं आदि को फ़ोन दे दूँगी, उसके बाद मैं लंच करने के बाद आपसे मिलूँगी। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के बजे हैं 4:30। तो यहाँ पे देखिए, मैं कैमरा चेक कर रही हूँ क्योंकि कैमरा बहुत दिनों के बाद ठीक हुआ है ना, तो देख रही थी मैं कि बराबर से शूट हो रहा है कि नहीं। और अब मैं सॉन्ग सुनूँगी, सॉन्ग सुनते सुनते काम करूँगी और सारा घर का काम हो जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। तो मैं गाना सुन रही हूँ देखिए, और गाना सुनते सुनते ना बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी अच्छे से बीत जाता है। तो चलिए, गाना सुनते सुनते काम करती हूँ, बर्तन धोना बाकी था। और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, और म्यूट कर लिया है क्योंकि इससे भी कॉपीराइट आ सकता है। तो चलिए, we
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने किस तरह से रंगोली बनाया है। इसे आलपना बोलते हैं हम बंगाली, और थर्सडे के दिन हम इस तरह से ही आलपना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने माँ लक्ष्मी की जो चरण होते हैं वो मैंने इस तरह से रंगोली बनाया है। और आपको अगर ये रंगोली और आज का ब्लॉग अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करना। और मैं झटपट से उपमा बनाती हूँ, उसके बाद आदि को मैं नाश्ते के लिए बुला दूँगी शाम के। तो फ्रेंड, हमारा भी डिनर हो चुका है और मैंने लड्डू गोपाल जी को भी सुला दिया है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट डे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं मार्केट गई थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ भगवान जी के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो सेम कपड़े लिए हैं गोपाल जी के लिए, बड़े वाले और छोटे वाले दोनों के लिए। और एक नाइट सूट में लेके आई हूँ, क्योंकि जो छोटे वाले गोपाल जी है ना, तो उनको नाइट सूट वो बड़ा होगा, इसलिए मैं एक ही लेके आई हूँ जिससे मैं चेक कर सकूँ कि ये उनको बराबर होगा कि नहीं। और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आता है, और ये जो पगड़ी देख रहे हो ना, ये आदि की पसंद का है। तो अगर आपको ये आज का व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा।